देखिए ये लोकतंत्र यहाँ का फर्जी लोकतंत्र है, कोई लोकतंत्र नहीं। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है मेजॉरिटी वोट पे, और मेजॉरिटी है कास्टेस और कम्युनल, तो कास्टेस और कम्युनल रूल हम पे हुकूमत करें। देखिए टू मच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बैड। आपके 80-90% ऑफ पीपल आर फुल ऑफ कास्टिज्म कम्युनलिज्म, भरा हुआ है, गोबर भरा है सर में। देखिए आप लोग प्रोफेसर हैं ऐसी यूनिवर्सिटी के, चलिए मैं आपका अभी टेस्ट ले लेता हूँ, बहुत बड़े प्रोफेसर बन के आए हैं ना, अभी टेस्ट ले लेता हूँ। आपकी बेटी अगर दलित से शादी करना चाहेगी आप राजी होंगे? कभी नहीं होंगे, मर्डर कर देंगे उसका। दलित लड़का अगर नॉन दलित लड़की चाहे अपर कास्ट चाहे ओबीसी से इश्क करे और शादी करना चाहे, ही इज इनवाइटिंग डेथ सेंटेंस ऑन हिमसेल्फ, मैनी ऑफ देम मर्डर्ड, ऑनर किलिंग हो जाएगी, आपकी प्रोफेसरी सब रह जाएगी जब आपकी लड़की कहेगी दलित सब करके। तो आप ना समझिए कि आप बड़े पीएचडी लिए हुए हैं और कोट और टाई पहने तो बड़े एजुकेटेड, मैं आपको ज़्यादा एजुकेटेड नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप में भी यही कूड़ा भरा हुआ है कास्टिज्म जातिवाद, सर में गोबर भरा है आपके भी, माफ करिएगा। ये ना कहिए बड़े एजुकेटेड हैं। देखिए एजुकेशन है कि ये टेस्ट ये है, आप में कास्टिज्म भरा है कि नहीं। ट्रूथ इज 95, मैं 100% नहीं कहता, 90-95% आप लोग प्रोफेसर्स के सर में ये भरा है कास्टिज्म। यू विल नॉट, वो भाग जाए लड़की घर छोड़ के वो अलग बात है, बट आपसे इजाज़त मांगे आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप नीच मानते हैं दलित को। सच्ची बात है कि नहीं? आज भी 71 साल हो गए हैं आज़ादी के, इवन टुडे यू रिगार्ड दलित एज नीच, ये सच्ची बात है। आपका बड़ा पिछड़ा समाज है, यू आर अ वेरी बैकवर्ड कंट्री। आप गाय को माता मानते हैं, बताइए सोचिए कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? ज़रा दिमाग है आपको कि गोबर भरा हुआ है? आप कहते हैं बीफ खाना बुरी चीज़ है, अरे दुनिया बीफ खाती है भाई, अमेरिका खाता है, यूरोप खाता है, अरब कंट्रीज, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, आपके अभी मैं केरला गया था, मैंने बीफ खाया, कोई बुरी चीज़ मैं नहीं मानता हूँ, दुनिया खाती है, वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं, वंडरफुल। गाय को मैं घोड़ा और कुत्ता से ज़्यादा नहीं मानता हूँ, जानवर है आप में, मगर पगलेटी भरी हुई है, माता 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 पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं और पकड़। आप किसी ठग को चुन लीजिए, एक सब ठग बैठे हैं, जो आपको बहुत प्यारा ठग लगे मुझको दे दो वोट, मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सब ठग लगते हैं, सॉरी आई विल नॉट टेक पार्ट इन दिस नॉनसेंस। आप करिए, हम क्या आपको राय दें, आपको ठग प्यारे हैं, आपको जैसे वो इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ हैं, और आप पीछे पीछे जैसे द रैट फॉलोइंग द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन, उसके पीछे इंदिरा गांधी को धड़ाधड़ वोट मिल गया, जीत गई। फिर वो मोदी आए, उन्होंने कहा विकास 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 विकास, हाँ भाई विकास ले विकास, तुम्हारी नौकरियां तो चली गई जो थी वो भी चली गई, ये विकास हो गया है। अन्ना हजारे आए ईमानदारी, वो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी करके चीफ मिनिस्टर हो गए, ले भैया ईमानदारी। अब हम क्या तुमको समझाएं, जब तुमको अकल नहीं है, यहाँ गोबर भरा है, तो भैया मैं इसका मेरे पास इलाज नहीं है। अरे ये सब नॉनसेंस, मैंने कहा मैं मुझे ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं है, तो नोटा या पोटा मीन नथिंग। देखिए ऐसा है, आपके मीडिया के जो मालिक हैं, आप तो कर्मचारी होंगे है ना, आप कर्मचारी हैं, तो जो मालिक हैं दे आर बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन गवर्नमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि नाराज़ किया तो गवर्नमेंट 20 तरीके से परेशान कर सकती है, इनकम टैक्स नोटिस और पोल्यूशन नोटिस और ये नोटिस वो नोटिस, तो मालिक जो हैं वो नहीं चाहेंगे गवर्नमेंट को परेशान करना, तो चमचागिरी करेंगे गवर्नमेंट की, तो लिहाजा आपको भी चमचा होना, नहीं तो आपकी नौकरी गई।
बहुत बड़े आप सीना तान के आए हैं जर्नलिस्ट, और ज़्यादा आपने बकबक किया तो आपको मालिक निकाल देगा नौकरी से, तो यू डेयर नॉट। आपके भी बीवी बच्चे हैं ना, उनको खिलाना है आपको, क्या खाओगे अगर नौकरी चली गई? ये माफ़ करिएगा, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर अ फ्यू मीडिया पीपल लाइक पी साइनार, जिसने डिस्क्लोज किया था सब फार्मर सोसाइटी का, दो चार हैं, अदरवाइज मोस्टली आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द मीडिया। आप सब बिके हुए हैं भाई, यूएस क्या हो रहा है? टीवी तो मैं देखना मन, आपके गेस्ट हाउस में मैं आया, थैंक्स टू डॉक्टर बहुगुना, तो आई हैड अ टीवी इन माय रूम, तो आफ्टर वन ईयर आई हैव सीन टीवी, मैं देखना बंद कर दिया मैंने, क्या नॉनसेंस चल रहा है। एक वो लॉर्ड भाऊभा उनका नाम रखा है मैंने, अब समझ सकते हैं आप कौन है, वो एक लॉर्ड हो थे ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजीज के लिए ब्रॉडकास्ट करते थे, उन्हीं के नाम पर मैंने लॉर्ड भाऊभा नाम रख दिया उनका, आप समझ सकते हैं किसका मैं इन इशारा किधर है। तो कैसे बिहेव करते हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। अब बीजेपी पावर में आई तो बीजेपी की चमचागिरी तरह तरह, अब बीजेपी अगर माने हार गए इलेक्शन, यही जर्नलिस्ट देखिए जो भी पावर में आएगा उसकी चमचागिरी शुरू कर देंगे। तो भैया थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। मीडिया वालों के लिए मुझे कोई ज़्यादा एक दो को छोड़ के मुझे कोई इज्जत नहीं है, यू आर ऑल सोल्ड आउट, सो द लेस सेड अबाउट यू द बेटर। अब कोई इशू मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ मीडिया के बारे में, मुझे बहुत दुख होता है, जो मीडिया को करना चाहिए। हमारी सोसाइटी आज भी सेमी फ्यूडल है, विच इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज रैम्पेंट कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म इन इंडिया। भाई इलेक्शन होते कैसे हैं, मोस्ट स्टेट में कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक्स पे होते हैं, दिस शोज अभी भी बहुत सेमी फ्यूडल है इंडियन सोसाइटी। कब मॉडर्नाइज होगी, इट विल रिक्वायर अ रेवोल्यूशन। ये ग्रेट हिस्टोरिकल चेंजेस कैनॉट बी अचीव पीसफुली, ये शांतिपूर्वक सत्याग्रह, गांधी जी ने कह दिया, आपने कर दिया सत्याग्रह, मगर क्या आपका कास्टिज्म अबॉलिश हुआ, आपका फ्यूडलिज्म अबॉलिश हुआ? मंदिर मंदिर किए जा रहे हैं, राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा? राम ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं राम मंदिर राम मंदिर। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, इन द ओरिजिनल रामायण ऑफ वाल्मीकि जो संस्कृत में है, उसमें राम इज नॉट अ गॉड, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ प्रिंस हु लेटर बिकेम अ किंग। वो तो 2000 साल के बाद इन रामचरित मानस ऑफ तुलसीदास ही बिकम्स अ गॉड, ही इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ गॉड। बट इन द ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत और वाल्मीकि ही इज नॉट अ गॉड, आप किसी संस्कृत के स्कॉलर से पूछ लीजिए। तो जब ह्यूमन बीइंग है तो उसका टेम्पल क्या बना रहे हो? टेम्पल तो देवी देवता का बनाया जाता है, इंसानों को थोड़ी बनाया जाता है। तो मगर लोगों ने पढ़ा नहीं है ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत, तो पढ़ा नहीं है। अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, इधर उधर हवा में तीर मार दिया कहीं, आप पढ़ लीजिए ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत, राम इज नॉट अ गॉड एट ऑल, तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो जो भाई नहीं भगवान हो? आई एम फुल्ली इन सपोर्ट ऑफ यूनिफॉर्म से, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली बनना चाहिए ये सब। देखिए ये मैंने कई बार कहा कि देखिए मैं ना आई एम नॉट इन अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, अक्सर मैं बातें कह जाता हूँ जो मुझे बहुत अनपॉपुलर बना देती है। तो मैंने कहा ये बुरका पहनना और शरिया ये बिल्कुल नॉनसेंस है, बिल्कुल लीगली बैन कर देना चाहिए। तो कई मुसलमान चिल्लाने लगे, हमने कहा देखो आई एम नॉट अ मुसलमान के वोट नहीं चाहिए मुझे, मैं तो कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं क्योंकि विश्वास ही नहीं है मुझे इसमें, तो मुझे तुम्हारे वोट नहीं चाहिए। बट ये शरिया और इज अ बैकवर्ड लॉ, सी शरिया वॉज मेड इन द 7th सेंचुरी इन अरेबिया। नाउ लॉ रिफ्लेक्ट्स द सोशल कंडीशंस ऑफ अ सोसाइटी एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। नाउ फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी सोसाइटी इज कम्प्लीटली चेंज्ड। How can you have today a law made in the 7th century? Can you have manuspriti today? It is nonsense. The law must change as society changes. So Sharia और यह बकवास है बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहना कि Sharia abolish हो जाए तो Islam abolish हो जाएगा, this is not correct. Hindu law, old Hindu law was almost totally abolished in 1955 by Hindu Marriage Act and 1956 by Hindu Succession Act. तो क्या Hinduism ख़त्म हो गया? क्या आज हिंदू लोग मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं? तो इट इज़ नॉन सेंस टू से शरिया अबॉलिश कर दो तो इस्लाम अबॉलिश हो जाएगा, ये बिल्कुल बकवास है।
And I'm totally in favor of uniform civil code. All modern countries have a uniform civil code. बिल्कुल होना चाहिए. बातें मगर ये बीजेपी वाले बात करते हैं, ये करेंगे नहीं कभी. इनमें ये फ़र्क, इनमें उनमें ये फ़र्क है. बीजेपी बात करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड करेगा नहीं, बनाएगा नहीं, क्योंकि उनको तो नाटक करना है. ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, सब ये नाटक करने वाले लोग हैं. दे डोंट हैव एनी आइडिया. इनका बस है कि कैसे सत्ता मिले और कैसे माल मिले, बस. नहीं नहीं, क्या मैंने क्या लिखा था? क्या होते हैं? अरे मजाक किया था भाई तुमको, या मजाक यूँ. तुम लोगों को कोई सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, कोई मजाक को मजाक समझना चाहिए. तुम अब मैंने मजाक में कह दिया कि बिहार को दे दो पाकिस्तान को, कश्मीर के साथ, ये मजाक था. अब उस पर जो मेरी पुतला जला दिया गया, जुलूस निकल गए, आपके मुख्यमंत्री जी ने हल्ला मचाया. अरे भाई, फिर मैंने भाई माफ़ी मांगी. मैं बड़ी जल्दी माफ़ी मांग लेता हूँ अगर तुम्हें बुरा लगा. माफ़ी मांग, यही मैंने उड़िया लोगों के बारे में मैंने माफ़ी मांग ली उनसे भी. अरे भाई, तुमको मजाक भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना चाहिए. अब वो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हुई कि सब सरदारजी जोक्स बैन हो जाने चाहिए. देखिए वो एक सरदारजी बैठे हैं सर. तो मेरे, अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को रेफर किया जिसके हेड थे जस्टिस H.S. बेदी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से रिटायर हुए, वो भी सरदार, मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे कोलीग थे, मुझसे जूनियर थे. तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये सब नॉनसेंस है. मैं खुद सरदारजी जोक्स एंजॉय करता हूँ, सुनाता रहता हूँ. इट इज़ ऑल नॉनसेंस. अरे जोक्स होते हैं तो मजाक को मजाक समझना चाहिए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है. आप सिख हैं ना? अरे आप सुन लीजिए, सिखों के बारे में सुनिए. गुरु नानक वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम. सबको, अरे भाई सुनो ना. गुरु नानक वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम. इनफैक्ट सिखिज्म अरोज एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द इनह्यूमन कास्ट सिस्टम हो गया था. उसके खिलाफ बगावत की गुरु नानक ने. गुरु नानक जात व्यवस्था को नहीं मानते थे. मगर हकीकत क्या है आप लोगों में? अरे सुनो, जाट सिख नीच मानता है दलित. मजहबी सिख को, दलित सिख को मजहबी सिख कहते हैं. अरे भाई मेरी बात सुनोगे? सुनो, इंडियन आर्मी में दो रेजिमेंट्स हैं. एक का नाम है सिख रेजिमेंट, जिसमें 60 सिख जाट सिख होते हैं, और एक है सिख लाइट इन्फेंट्री, जिसमें मजहबी या दलित सिख होते हैं. दो रेजिमेंट अलग, एक साथ बैठ नहीं सकते हैं. वो एक साथ रखेंगे लड़ाई हो जाएगी. तो उनको आज भी, इन्हें अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी ये रेजिमेंट्स, आज क्यों चलती जा रही है? आज क्यों, बताइए, वाई इज़ देयर सिख रेजिमेंट जिसमें जाट सिख हैं और सिख लाइट इन्फेंट्री जिसमें दलित सिख हैं? क्यों अलग अलग रखा गया है? क्यों नहीं एक ही रेजिमेंट होनी? क्योंकि आज भी आप जाट सिख हैं कि मजहबी सिख हैं? क्या हैं आप? क्या है साहब, जल्दी बताओ. अच्छा चलो, अरे भाई, अरे हम ये कह रहे हैं कि आप बिफोर यू गो टू क्वेश्चन, एक चीज़ मैं भूल गया कहना. ये पंचायत राज का 73rd अमेंडमेंट आया है, ये क्या आया? अच्छा, बड़ा, देखिए हवाई बातें कुछ हैं और रियलिटी कुछ है. कि वो गांधी जी ने कहा कि गिव पावर टू द पंचायत, और अरविंद केजरीवाल ने किताब लिखी स्वराज, उसमें लिखा गिव पावर टू पंचायत. और हकीकत यह है पंचायत की, हकीकत यह है पंचायत आर फुल ऑफ कास्टिज्म एंड करप्शन. दे आर अड्डे हैं कास्टिज्म करप्शन के. और उनके जो ये प्रधान हैं, इन्होंने लूट लिया सारा जो गांव सवा लैंड था. मैंने जजमेंट दिया, यूपी का मैं हूँ वैसे तो, कश्मीरी पंडित हैं, यूपी में सेटल हूँ. एक इंच नहीं रहा गांव सभा लैंड. जो कुछ लैंड होता था हर गांव के साथ जुड़ा हुआ, जो कॉमन यूज़ ऑफ विलेजर्स होता था, उस सब प्रधान ने अलॉट कर दिया अपने रिश्तेदारों के नाम. तो ये तो आपका ग्राम पंचायत है. कहने का बड़ा, इट साउंड वेरी रोजी कि गांधी जी ने कह दिया और अरविंद केजरीवाल ने कह दिया. हकीकत पंचायत की ये है कि
अड्डे हैं कास्टिज्म और करप्शन के, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय बिग लैंड होल्डर्स बिहाइंड द सीन्स, अपने पपेट्स को खड़ा करके वो जिता देते हैं इलेक्शन। देखिए अब व्हाट सजेशन कैन आई गिव, बट द रियलिटी इज दैट द मीडिया हैज बीन टेकन ओवर बाय बिग कॉरपोरेट्स। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने टेक ओवर कर लिया मीडिया हाउसेस को, एंड अगर आपने चू भी किया उनके इंटरेस्ट के खिलाफ, वो खट से आपकी नौकरी गई। आई नो मैनी मैनी मीडिया पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब्स। एक हैं, आई स्पोक टू करण थापर, वेल नोन जर्नलिस्ट, आई गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने उनसे बात करी। पहले वो CNN के लिए करते थे, CNN IBN, वहाँ से उनको निकाल दिया गया, फिर इंडिया टुडे में आए, वहाँ से भी निकाल दिया गया। तो मैंने पूछा उनका, ही टेलीफोन मी, आई ने वो टेलीफोन, ही टेलीफोन मी। तो भाई जब मैंने पूछा भाई क्यों आप, बोले क्योंकि ये परसेप्शन था कि आई एम एंटी मोदी, तो मुझको मैनेजमेंट ने इस वजह से निकाल दिया। तो अब बताइए कि अच्छा, क्योंकि मोदी जी को खुश करना चाहते हैं ये बिजनेसमैन जो ओनर्स ऑफ द मीडिया हाउसेस, तो लिहाजा कुछ हिंट दिया होगा मोदी जी ने पॉसिबली कि भाई ये जर्नलिस्ट मुझे नहीं पसंद है, तो उन्होंने साहब निकाल दिया। तो ये तो आप मीडिया में रह के ज़्यादा आप बोल नहीं सकते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि देखिए आप भी, आपकी फैमिलीज हैं, बीबी बच्चे हैं, उनको खिलाना है, तो यू डे नॉट लूज योर जॉब। तो आपने कुछ जो आपके मीडिया हाउस की लाइन है उसके खिलाफ कुछ कह दिया है, लिख दिया, तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये प्रॉब्लम क्या चीज, अरे ये सब थ्योरीबाजी है, रियलिटी जो मैं आपको बताया वो है। देखिए इन मीडिया एट वन टाइम दे वर वेरी ग्रेट जर्नलिस्ट, राजा राम मोहन रॉय हिमसेल्फ वॉज अ नॉट ओनली सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज अ जर्नलिस्ट। दो मैगजीन निकालते थे, एक फारसी में, एक शायद बंगला में या क्या, हाँ। और बड़े बड़े जर्नलिस्ट हुए हैं इंडिया में, गणेश शंकर विद्यार्थी, ही वॉज किल्ड व्हेन ही वॉज किल्ड बाय अ कम्युनल मॉब, गणेश शंकर विद्यार्थी। निखिल चक्रवर्ती जो जिन्होंने ग्रेट बंगाल फैमिन के बारे में बहुत लिखा, बड़े बड़े ग्रेट जर्नलिस्ट हुए हैं। मगर आज कल जो ज़माना आ गया है कि इतना कॉरपोरेटाइजेशन हो गया है मीडिया का कि अब आपको बहुत रेयर है, एक जैसे पी साईनाथ को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसने ये जो फार्मर सुसाइड हो रहे थे, 5-6 साल तक मीडिया वालों ने नहीं छपने दी खबर, नहीं छपने दी, नहीं छपने दी, सिंगल हैंडेडली पी साईनाथ ने उसको एक्सपोज किया। लाखों सुसाइड्स हो रहे हैं, फार्मर्स खुदकशी कर रहे हैं, मगर मीडिया वाले नहीं छपने देंगे उसको, 5-6 साल नहीं छपने दिया सर। बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरीके से उजागर किया, मगर इतना बड़ा हादसा था कि कब तक दब सकता सर। तब रिवील हुआ कि कितने लाखों सुसाइड हो गए फार्मर्स के, बट आप मीडिया वालों ने दबा दिया साहब, नहीं छपने दिया। क्या छपेगा, करीना कपूर का लड़का तैमूर घूम रहा है और वो अमिताभ बच्चन का ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर आराध्या का क्या हो गया, उसकी बर्थडे पार्टी हुई है, हैं? एक बॉम्बे में लैक्मी मॉडल कॉन्टेस्ट हुआ, 512 जर्नलिस्ट कवर्ड दैट लैक्मी मॉडल, जिसमें मॉडल्स कपड़े पहने थे, कपड़े पहनी थी और वो परेड कर रही थी मॉडल, और जो किसानों ने वो कपास बोया था जिससे वो कपड़ा बना था, उसी वक्त वो सुसाइड कर रहे थे, 1 घंटे, 1 आवर्स फ्लाइट अवे इन विदर्भा, वो फार्मर सुसाइड कर रहे थे, उनको किसी मीडिया वाले ने नहीं कवर किया। 512 पहुंच गए ये लैक्मी मॉडल कॉन्टेस्ट को कवर करने के लिए। ये आपके मीडिया वालों का हाल है, जो रियलिटीज़ है उससे आप अटेंशन डाइवर्ट कर दो। क्या दिखाओ, क्रिकेट, क्रिकेट तो एक ओपियम हो गया है मैसेज का, कि जनता को रोमन एम्प्रेस कहते थे ना, इफ़ यू कैनॉट गिव द पीपल ब्रेड गिव देम सर्कसेस, जो जनता को रोटी नहीं दे सको तो क्रिकेट दो। आजकल विराट कोहली छाए हुए हैं, और कौन छाया हुआ है, न्यूजीलैंड में टीम गई है, यानी भुखमरी ने कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, क्या मुद्दा है, इंडियन टीम न्यूजीलैंड विजिट कर रही है, उसको धड़ाधड़ छाप रहे हैं आप लोग,
और फिल्म स्टार्स की लाइफ पे छाप रहे हैं। तो ये तो आप लोगों का हाल है, डाइवर्टिंग अटेंशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द रियल इश्यूज टू नॉन इश्यूज। ये फिल्म स्टार्स की लाइफ जो क्रिकेट, ये कोई मुद्दा है जबकि आपके सामने भीषण समस्याएं खड़ी हैं, बेरोजगारी की बढ़ती, बेरोजगारी बढ़ती, भूख, बच्चों की भूखमरी, उस पर नहीं ध्यान जाता है। आप कितना आपने छापा उस पर, हार्डली दो चार छापा होगा, 2-4%, 90% कवरेज आपकी एंटरटेनमेंट की, फिल्म स्टार्स की लाइफ, कौन फिल्म स्टार का इश्क किसके साथ, वो शादी हुई थी अभी वो मुकेश अंबानी की बेटी की, जो धड़ाधड़ छापा गया, और कौन, दो चार और लोगों की शादी हुई, प्रियंका चोपड़ा नहीं, किसका हुई है, दीपिका, प्रियंका जी और दीपिका को ही हुई थी, उनकी शादी पे आप लोग छाप रहे हैं। जैसे कि यही मुद्दा है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, भुखमरी कोई मुद्दा नहीं है, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। ये है कि शादियां हो रही हैं जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं, उसको आप लोग उछाल रहे हैं, ये आप लोगों का हाल है साहब।